Assalamu alaikum everyone. I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed, and in this video I'm again going to discuss about a protocol of an experiment, and the title of the experiment says determination of molecular weight of a compound by elevation of boiling point, that is ebullioscopic method. Pichla jo experiment tha usme maine aap logo cryoscopic method bataya tha, that is the depression in the freezing point, aur is experiment pe hum log discuss karenge ebullioscopic method ko, that is the elevation of boiling point. So let's just get into it. So first of all, we will be getting through the theory of the experiment. So let's see what the theory of the experiment says. Elevation in boiling point. सबसे पहले हम लोग elevation in boiling point को discuss कर लेते हैं. अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमोस्फेयरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाए. जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि हमारे पास सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से. ऐसा क्यों होता है? सोल्यूशन यू नो इज द सोल्यूशन फॉर्म्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट. और सॉल्वेंट के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट भी जाकर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेता है. और सॉल्वेंट में भी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन या बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन सोल्यूट जब जाके सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करता है तो वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की आपस में हो रही होती है, जिसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हायर होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट. जब भी हम लोग किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं एज अ रिजल्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है. दिस इज बेसिकली नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकती हूँ कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम रहेगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एबिलियोस्कोपी, जो कि हमारा मेथड है. और यहाँ पर उसने हमें एक और ज़रूरी बात ये बताई है कि द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. ऑब्वियसली जब आप वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा देर उधर नहीं टिकेगा. लेकिन अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो ज़्यादा देर वहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम लोगों ने अब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. मतलब हमने सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं पहले ही कि डिफरेंस के लिए हम डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको माइनस कर देंगे. तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी प्राइम बी माइनस टी बी. तो बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. लिक्विड्स की डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से एबिलियोस्कोपिक मेथड या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. और ये नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं डिपेंड करती. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं डिपेंड करती, ये नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि आपने कितने सोल्यूट जो है वो ऐड किया है अपने सॉल्वेंट के अंदर. ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. चलें जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं एबिलियोस्कोप के बारे में.
तो बिलियोस्कोप बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। लैब में हम लोग इसकी एक असेंबली प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं, सिंपल करने के लिए हम एक असेंबली टाइप लैब में इसकी डिज़ाइन कर देते हैं। और बिलियोस्कोप को हम और भी बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको फॉर डिटर्मिनिंग द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्सचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर जो है इसको हम लोग कहते हैं बिलियोस्कोपी। इस एक्सपेरिमेंट में हमारा कंसर्न क्या है कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है सल्यूट का, जो कि हम लोगों ने ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ बिलियोस्कोपी के। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपरेटस के बारे में। तो अपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं जो बिलियोस्कोपी के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लैंड्स बर्जर्स अपरेटस। इसकी एक असेंबली होती है, सिंपल हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं लैब में डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके। बैकमैंस थर्मोमीटर, बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड। केमिकल्स हम लोग ये तीन केमिकल्स के साथ इधर काम कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, डिस्टिल्ड वाटर। आप कुछ भी डिफरेंट केमिकल्स के साथ काम कर सकते हैं, मैंने वैसे ही आपको रेफरेंस के लिए लिख दिया है। प्रोसीजर मैं आप लोगों को बहुत जनरलाइज करके बताऊंगी। आप उसके अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, ये इसकी डायग्राम है। ये हम लोगों ने बेसिकली असेंबली जो है हम लैब में भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नीचे हमारे पास एक हीट सोर्स होती है जिसको हम लोग हॉट प्लेट कहते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने एक वो रख दिया है स्टैंड बाथ या ऑयल बाथ रख दिया है, और उसके अंदर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क रख लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा जो भी मिक्सचर है वो हमने ऐड किया हुआ है। उसको फर्दर हम लोगों ने रिफ्लेक्स कंडेंसर ट्यूब के साथ अटैच किया हुआ है, और हम लोगों ने थर्मामीटर जो है उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है ताकि हमें बॉइलिंग पॉइंट मिल जाए जब हमारा सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क लगी हुई है। ऑब्वियसली जो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट पहले आपका एवेपोरेट हो जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद रिसीविंग फ्लास्क के अंदर आपके पास आ जाएगा। चलें जी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर को कि इसका प्रोसीजर क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। तो प्रोसीजर को मैं समझाने के लिए आप लोगों को प्रॉपर जो लैंड बर्जर्स अपरेटस है वो दिखा के मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाना चाहूंगी ताकि आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेरे पास प्रॉपर असेंबली है जिसको हम लैंड बर्जर्स अपरेटस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अपना एक सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर मैंने हीटिंग के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, अंदर वाली जो जैकेट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मेरे पास वो सॉल्वेंट है जिसका बेसिकली मैंने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये हीट मैं इसको करूँगी, एज अ रिजल्ट यहाँ पर वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर्स जो है इसको हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये भी जो है हीटअप होना शुरू हो जाएगा सॉल्वेंट मेरा। जब यहाँ पर मेरा सॉल्वेंट हीटअप होना शुरू हो जाएगा तो ये मैंने बैकमेंस थर्मामीटर लगाया हुआ है। इस बैकमेंस थर्मामीटर से मैं बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको फाइंड कर लूंगी। ठीक है, बैकमेंस थर्मामीटर से मैं बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड कर लूंगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको स्पून नजर आ रही है, आप क्या करोगे कि स्पून की हेल्प से सोल्यूट जो है इसके अंदर ऐड कर लोगे और वो प्रॉपरली मिक्स कर लोगे। जब फर्दर आप हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि आपके पास सोल्यूट भी डिजोल्व हो जाएगा ऑब्वियसली, और आपके पास यहाँ पर जो आप बॉइलिंग पॉइंट आएगा थर्मामीटर के ऊपर वो आपके पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और फिर आप लोग इजीली डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की तरफ। तो ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिया था, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है T1C। ऑब्वियसली आपका जो भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मेरे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, लेट सपोज T2C, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद मेरे पास आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स T2 को आप T1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास ऑफ द सब्सटेंस, जो आपने सोल्यूट ऐड किया है उसका आपने पहले मास कर लेना है, उसको वे कर लेना है। आपने उसका मास, लेट सपोज आपने W2g ग्राम्स जो है वो लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास ऑफ द सॉल्वेंट, कितना हमने सॉल्वेंट ऐड किया, लेट सपोज W1g है। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस फाइंड करना है, हमारे एक्सपेरिमेंट का कंसर्न ही यही था। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है KB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। K
भी स्टैंड फॉर मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय ऊपर आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है डेल्टा टी बी की, वो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। डब्ल्यू टू आपके पास बेसिकली है मास ऑफ सल्यूट, उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और डब्ल्यू वन जो है वो आपके पास है मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस आ जाएगा। तो जी हमारा जो बेसिक कंसर्न था वो यही था कि हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना था डिसॉल्व्ड सब्सटेंस का। तो हमारे पास लेट सपोज मैंने यहाँ पर ए वैल्यू लिखी है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस वॉज डिटर्मिन्ड थ्रू एबिलियोस्कोपिक मेथड एंड वॉज फाउंड टू बी ए। That is it.